आप सबको मेरा नमस्कार। आज 7 जून को करनाल में कोरोना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो आज हमारे जिले में टोटल 8 कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। इन सबकी ट्रेवल हिस्ट्री है और इस प्रकार से जिले में टोटल कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या 99 हो गई है। 5 लोग आज हमारे ठीक रिकवर होकर भी अपने घर वापस लौटे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 54 है। 43 लोग रिकवर हो चुके हैं और 2 की डेथ हुई है। जिस प्रकार से आप लोगों को मालूम है, अनलॉक का पार्ट 2 कल से 8 जून से चालू होने जा रहा है और उसमें कुछ चीजों की रियायतें केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने हमें दी हैं। उसमें विशेष रूप से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो खुल जाएंगे कल से, और जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको भी खोलने के बारे में हिदायतें दी गई हैं। ये सारी चीजें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और शर्तों के अंडर ही खुलेंगी। एक एक करके मैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, चर्च हो, वो कल से खुल जाएंगे। सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक खुले रहेंगे। रात को 8 बजे शार्पली ये बंद कर दिए जाएंगे ताकि रात को 9 बजे से जनता कर्फ्यू की पालना हो सके। इन रिलीजियस प्लेसेस पे बिना मास्क के किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी। जो सिम्टोमेटिक लोग हैं, जिनमें कोरोना के लक्षण हैं, उनको भी आने की अनुमति नहीं होगी। और वहां पे जगह जगह सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और हैंड सैनिटाइजर्स भी रखे जाएंगे। साथ ही में कुछ सूचना कोरोना के बारे में दर्शाने के लिए स्टैंडीज वगैरह और इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स लगवाए जाएंगे। जूते और चप्पल उतारने के लिए विशेष एक जगह आरक्षित की जाएगी और वहां पे अलग अलग स्लॉट्स बनाए जाएंगे ताकि एक कोई भी आदमी सारे जूते चप्पल ना छुए, ताकि कोरोना का संक्रमण उसमें ना फैल सके। एंट्री एग्जिट इनमें सेपरेट रखना आवश्यक है। साथ ही में जो मूर्तियां हैं या धार्मिक किताबें हैं या जो इस तरह के कोई भी आइडल्स हैं, उनको छूने की मनाही होगी, घंटी बजाने की मनाही होगी। जो प्रसाद है, लंगर है, जो हमारा होली वोटर्स होते हैं, पवित्र जल है, इनके छिड़काव की, इन सब चीजों की परमिशन नहीं होगी। आरती वगैरह करने की परमिशन, इस तरह की चीजों की परमिशन नहीं अलाउड होगी, ताकि लोगों को इकट्ठा ना होने दिए जाए। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी परमिशन नहीं होगी। साथ ही में समय समय पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा और जो सैनिटाइजेशन के बाद जितने भी मास्क, हैंड ग्लव्स वगैरह जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, उनको डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था इसमें की जाएगी। अब मैं जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनके ऊपर मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहूंगा। सभी रेस्टोरेंट से आग्रह है कि वो होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करें, जितना ज्यादा हो सके होम डिलीवरी दें। और रेस्टोरेंट सिर्फ 9 बजे से रात को 8 बजे तक खुलेंगे। 8 बजे बाद कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं होगा। जितने भी लोग रेस्टोरेंट्स में आएंगे और जितने भी लोग इवन रिलीजियस प्लेसेस में आएंगे, धार्मिक स्थलों पे आएंगे या रेस्टोरेंट्स में आएंगे, उन सबकी थर्मल स्क्रीनिंग कंपलसरी होगी। यानी वहां पे लोगों का तापमान का जांच करना आवश्यक है। रेस्टोरेंट में भी बिना मास्क के किसी को अनुमति नहीं होगी। सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल को बिल्कुल आने की अनुमति नहीं होगी और जगह जगह हैंड सैनिटाइजर्स अवेलेबल कराए जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात रेस्टोरेंट्स को लेकर के ये है कि सिर्फ 50% कैपेसिटी पे रेस्टोरेंट्स चलेंगे। यानी वहां पे जो लोग खाना खाने के लिए आएंगे, जितनी रेस्टोरेंट की टोटल क्षमता है, कैपेसिटी है, उसकी 50% ही यूटिलाइज होगी, ताकि लोग खुले खुले बैठें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है, वो जो भी वल्नरेबल स्टाफ है, यानी जो 65 साल से ऊपर का है, या कोई ऑलरेडी किसी में कोई कोमोर्बिडिटी है, बीमारी है, या कोई प्रेग्नेंट वुमन है, ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट्स, सभी रेस्टोरेंट से आग्रह रहेगा, ढाबों से, ढाबे रेस्टोरेंट्स, होटल से आग्रह रहेगा कि ऐसे लोगों को काम पे ना बुलाएं जो 65 साल से ऊपर हैं या कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त हैं या कोई प्रेग्नेंट वुमन है। साथ में रेस्टोरेंट्स को भी ये डायरेक्शन है कि वो भी जगह जगह कोरोना के बारे में सूचना देने वाले पोस्टर्स, स्टैंडीज वगैरह लगवा के रखेंगे। सभी रेस्टोरेंट्स में जो भी गेमिंग जोन्स हैं, गेमिंग आर्केड्स हैं, चिल्ड्रन प्ले एरियाज हैं, बच्चों के खोलने खेलने के एरियाज हैं, वो कम्प्लीटली बंद रहेंगे और कोई भी रेस्टोरेंट जो है बार ओपन नहीं करेगा। तो रेस्टोरेंट्स के अंदर बार अलाउड नहीं होगी। जो होटल्स हैं उसमें भी लगभग उसी प्रकार की शर्तें हैं। एक दो एडिशनल शर्तें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा,
कि सभी होटल्स जितने भी गेस्ट्स वहां पे आएंगे उनकी सूची बनाएंगे और उनके बारे में डिटेल्स लिखेंगे, जैसे कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उनका एक डिक्लेरेशन कि वो उनमें कोई लक्षण नहीं है, और उनका आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें उनसे लेकर के रखेंगे। उनका थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए स्वास्थ्य जांच करेंगे और बिना मास्क के किसी को अनुमति नहीं होगी होटल में आने की, और सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक लोग ही यानी बिना लक्षण वाले लोग ही होटल्स में आ सकेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट से विशेष आग्रह रहेगा कि वो ऑनलाइन पेमेंट को प्रोत्साहित करें ताकि करेंसी नोट्स के जरिए संक्रमण आगे न फैल सके। जो होटल्स हैं उनमें ये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि जो खाना है वो रूम सर्विस के जरिए ही दिया जाए, ना कि लोगों को रेस्टोरेंट में आने के लिए बोलें। जितना ज्यादा हो सके उतना रूम सर्विस के जरिए ही खाना कमरों तक पहुंचाएं, रूम्स तक पहुंचाएं। चिल्ड्रन प्ले एरियाज हैं और जो गेमिंग आर्केड्स हैं वो पूर्णतया बंद रहेंगे। अंत में मैं मॉल्स के बारे में, शॉपिंग मॉल के बारे में आना बताना चाहूंगा। शॉपिंग मॉल भी सुबह 9 बजे से 8 बजे तक ही जिले में खुले रहेंगे। वहां भी सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक लोग ही अलाउड होंगे। थर्मल स्क्रीनिंग वहां भी गेट पर जरूरी है। फेस मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। बिना फेस मास्क के किसी को भी अनुमति ना दी जाए। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, हो सके तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग हों। और जो हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें जो सिनेमा हॉल्स हैं वो अभी बंद रहेंगे। सो सिनेमा हॉल के खुलने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। चिल्ड्रन प्ले एरियाज, गेमिंग आर्केड्स बंद रहेंगे। बार्स हैं वो जो है हमारे सिनेमा हॉल्स में वो भी बंद रहेंगे। सभी लोगों से आग्रह है कि जो हमारा कर्फ्यू का समय है रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, वो हम बहुत जरूरी रूप से उसका पालन करें और 9 बजे के बाद कोई भी अनावश्यक कार्य से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। मेरा मानना है कि जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स या शॉपिंग मॉल्स के ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, साथ ही रिलीजियस प्लेसेस के मैनेजर्स हैं, वो इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे और करनाल के लोग भी इन सूचनाओं का और इन हिदायतों का पालन करेंगे। फिर भी इनको चेक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और SHOs हैं उनको हमने एम्पावर किया है कि वो समय समय पर इन जगह की चेकिंग करते रहेंगे और अगर कोई भी वायलेशन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करनाल जिले के लोगों ने प्रशासन का, सरकार का अभी तक बहुत साथ दिया है और इसी वजह से ही इस महामारी से हम अभी बचे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप सभी लोग इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहेंगे ताकि हम मिलकर के इस महामारी से लड़ पाएंगे। जय हिंद।